ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? थामिनी जीजी, अब हमें समझ में आया कि छोटी काकी जी आपकी हर बात में हाँ में हाँ क्यों मिला रही है। क्यों वो चाहती है कि आपकी और मोहन जी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। पंडित जी ने मोहन और दामिनी की शादी की डेट पक्की कर दी है, 2 हफ्ते में शादी है। क्यों वो जब भी आपके आसपास रहती है डरी डरी सी रहती है? कोई टेंशन है क्या आपको? हाँ माँ, बोलिए, किसी ने कुछ कहा आपसे? और उन्होंने क्यों कहा कि अगर मोहन जी की शादी आपसे नहीं हुई तो मोहन जी का जीवन बर्बाद हो जाएगा? राधा, अगर तुमने इस शादी को रोकने की जिद की ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिद की वजह से हम हमारे मोहन को खो दें। क्योंकि आपने छोटी काकी जी को धमका कर रखा है। अगर आज मेरी मोहन से शादी नहीं हुई ना, तो मैं बता रही हूँ आपको, इसी आग में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। आपको पता है ना मोहन जी की कमजोरी, और आपने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। दामिनी जीजी, दामिनी जीजी, रिश्ते ना झूठ या जबरदस्ती से नहीं बनते हैं, और आप कैसे समझेंगे? और अब जब हम ये सब जान गए ना, तो अब हम आपकी और मोहन जी की शादी नहीं होने देंगे। मोहन जी बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना, उसके बाद हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। मोहन जी एक बार सुन लीजिए, हाथ दूर रखो। मोहन जी बस एक बार बात तो सुन लीजिए ना, हम बहुत जरूरी बात। अरे नहीं सुननी यार बात तुम्हारी। दरवाजा खोल के मेरी बात नहीं सुन लेते, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ तो बैठी रहो बाहर। ये राधा क्यों मुझे टेंशन दे रही है? माँ को बिना बताए जाकर एक बार बात कर लूँ क्या उससे? राधा नहीं, राधा देखो, राधा आई एम रियली सॉरी। देखो प्लीज प्लीज, ये इस सब के बारे में ना किसी को मत बताना। मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं मोहन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा तरीका बहुत गलत था, लेकिन प्यार में तो सब सही होता है ना राधा। देखो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बदल जाऊंगी, मैं मोहन की बहुत अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी, देखना तुम। प्लीज प्लीज ये सब प्लीज, दामिनी जी यही तो आपकी समझ धोखा खा गई ना दामिनी जीजी। शादी सिर्फ एक इंसान से नहीं होती है, बल्कि उनके पूरे परिवार से होती है। अरे जिस गुनगुन को अपने बार बार मानने की कोशिश की, क्या उनकी अच्छी माँ बन पाएंगी आप? जिन काकी जी को अपने डरा धमका कर शादी के लिए राजी किया, क्या उनकी अच्छी बहू बन पाएंगी आप? जिन काका जी को अपने नशे की लत लगवा दी, क्या उनसे आप नशे मिला पाएंगी? डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।